संवैधानिक अधिकार दिलाया वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की और वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने महिलाओं को सभी के पुरुषों के बराबर उन समान वेतन की व्यवस्था की और ये सभी अधिकार सिर्फ हमारे समाज की महिलाओं के लिए ही नहीं थे, इस पूरे समाज पूरे देश की महिलाओं के लिए थे। लेकिन फिर भी नाना ने बाबा साहब को केवल दलितों का मसीहा बनाकर उनको एक तरफ कर दिया गया है। लेकिन पूछा जाए उन लोगों से, उस समाज की महिलाओं से, क्या जब महिला क्या हमारे ही समाज की महिला प्रेग्नेंट होती है, क्या हमारे ही समाज की महिलाओं को अधिकार की जरूरत होती है, या केवल हमारे ही समाज की महिलाओं को वोट देने का अधिकार होता है? फिर क्यों बाबा साहब को पूरा देश मानने को तैयार नहीं है? तो मानता सब कुछ है दूसरा समाज भी, लेकिन वो अपने आप को दिखाता नहीं है। आज मैं उन सभी लोगों से यह कहना चाहूंगी कि बाबा साहब जिन्होंने जो संविधान की निर्माता है, जिन्होंने संविधान लिख दिया, ना कोई संविधान लिख सकता है, जो ऐसा संविधान कभी लिख पाएगा उन्हें नमन करती हूँ मैं। मगर आज कहीं संविधान आज हमारे खतरे में पड़ गया है। 20 मार्च का वह असंवैधानिक फैसला जो हमारे जो हृदय के जो तारतार कर देता है, उसके खिलाफ जिसने हम पूरा समाज 2 अप्रैल को एकजुटता के एकता के सूत्र में खड़ा हो गया, ये बाबा साहब की ही देन है, ये हमारी एकता की ही देन है। इसलिए मैं पूरे समाज से यह कहना चाहूंगी कि एकजुट रहो, जैसे बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। जब तक हम संगठित होकर कार्य नहीं करेंगे, हम कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आज बाबा साहब की 127वीं जन्म दिवस के अवसर पर मैं ढेरों शुभकामनाओं के साथ साथ यह कहना चाहती हूँ कि आज भी अगर हमारे साथ जब भी कभी अत्याचार होगा, या हमारे साथ पहले होता आ रहा है, मगर अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे। जैसे 2 अप्रैल को पूरा भारत की एक मुहिम छेड़ी थी, अगर हमें अपना अधिकार पूरा वापस नहीं मिला, तो यह क्रांति फिर से बड़ी लेवल से लिखी जाएगी और हम इसके लिए पूरा समाज पूरा देश एकजुट होकर सड़कों पर आने को तैयार है। धन्यवाद।